तो दोस्तों, अगर आप भी अपना हाउस नंबर पता करना चाहते हैं, अपना मकान संख्या, गृह संख्या आपको अपना निकालना है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड अगर नया आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी आपको हाउस नंबर इंटर करना होता है, तो अपना हाउस नंबर आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। हाउस नंबर पता करने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट नंबर पता करना है। तो पार्ट नंबर आप किस तरीके से पता करेंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। सो अगर आप भी अपना हाउस नंबर पता करना चाहते हैं, अपना हाउस नंबर निकालना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जोर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना हाउस नंबर, मकान संख्या, गृह संख्या पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन करना है। सर्च बॉक्स में आप यहां पर टाइप करेंगे ECI। यहां पर देख सकते हैं आपको टाइप करना होगा ECI.gov.in। आपको ECI.gov.in टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको यह वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने दिखाई देगा। आप यहां पर देख सकते हैं मेनू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ठीक बगल में थ्री लाइन दिखाई दे रहा है। आप इस थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, अब यहां पर बहुत सारा ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने भी। तो यहां पर देख सकते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्टोरल रोल, इलेक्ट्रोरल आपको रोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इलेक्शन रिजल्ट के ठीक नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगला इंटरफेस इस तरीके से नज़र आएगा। तो सबसे टॉप में ऑप्शन दिखाई दे रहा है वोटर सर्च, सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना पार्ट नंबर आपको पता करना है। तो पार्ट नंबर पता हो जाएगा तो आसानी से अपना जो हाउस नंबर है आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पार्ट नंबर पता करने के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड का जरूरत होगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर का जरूरत होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे वोटर सर्च वाले ऑप्शन पे, उसके बाद पहला ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जो भी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर योर एपिक नंबर, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर होगा, अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पर आप स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपका स्टेट होगा अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और नीचे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सर्च करते हैं तो जिसका भी वोटर आईडी कार्ड नंबर आपने डाला हुआ है आपका उसका डिटेल्स हो जाएगा। आप इस तरीके से स्क्रॉल करके लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा और पार्ट में आपको पार्ट नंबर और यहाँ पर आपका जो ही वोटिंग, यानी जहाँ भी वोटिंग के लिए आप जाते हैं, जो भी आपका वोटिंग एड्रेस होगा यानी इस जगह होगा, उसका यहाँ पर नाम से हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर देख लेना, यह पार्ट नंबर आपको नोट कर लेना है। पार्ट नंबर निकाल लेने के बाद वापस आपको यहां से बैक हो जाना है इस तरीके से। अब आपको दूसरा काम करना है, अपना यानी जो हाउस नंबर है उसे निकालना है। तो यहां पर PDF रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। यहां पर आपको जो भी आपका स्टेट होगा यहां पर दिखाई देगा, अपना स्टेट आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे यानी स्टेट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस जो होगा आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका आपके स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट होगा यानी वोटर सर्विस का, वो आपका ये वेबसाइट जो है इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर असेंबली पूछ रहा है तो जो भी आपका विधानसभा होगा, जो भी आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में आप आते हैं आपको अपना विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर दिखाई देगा, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको अपना विधानसभा क्षेत्र पता नहीं है कि आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, तो घर में जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड होगा या फैमिली का या आपका, उस वोटर आईडी कार्ड के पीछे देखेंगे तो आपका जो भी विधानसभा होगा वो यहाँ उस पर लिखा हुआ रहता है, आपको वहाँ पर देखना है और उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज वाले ऑप्शन में हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में आप फिलअप कर देंगे और फिलअप करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका पार्ट नंबर है आपको डायरेक्टली यहाँ पर पार्ट नंबर अपना इंटर कर लेना है। आप यहाँ पर चाहें यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो भी आपके विधानसभा में जितना भी क्षेत्र होगा, जो भी उसके अंदर ग्राम पंचायत आता होगा, उसका जहाँ भी वोटिंग के लिए आप जाते होंगे वहाँ पर उसका नाम यहाँ पर आपको शो होगा। आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरीके से स्क्रॉल करके यहाँ भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली अपना पार्ट नंबर तो आप पता कर लिए हैं तो डायरेक्टली अपना पार्ट नंबर यहाँ पर डाल लेना है। जैसे आप पार्ट नंबर डालेंगे तो जो भी आपका जो भी आप वोटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर उसका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर वो शो हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, उसके ठीक सामने यहाँ पर फाइनल रोल और ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जनरल इलेक्शन रोल ऑप्शन मिलेगा। तो आपको फाइनल रोल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके नीचे आपको जो एरो का आइकन नज़र आ रहा है, आप इस एरो वाले आइकन पे क्लिक कर आप एरो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कैंसिल और डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइल डाउनलोड, मैं इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ।
ओपन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके जो भी आपका गांव होगा, जो भी आपका जहां पर भी आप बूथ यानी वोटिंग के लिए जाते हैं, जो भी आपका बूथ होगा, आपको उसके अंडर जो भी वोटर लिस्ट है आपका यहां पर डाउनलोड हो चुका है। बस आपको इस वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है और नाम देखने के बाद देख सकते हैं यहां पर आपको गृह संख्या इस तरीके से आपके सामने आपका नाम होगा, उसके नीचे आपको गृह संख्या मिल जाएगा।